फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है कॉर्न। तो कॉर्न पे आज बात करेंगे, जिसको कि घुघरू भी बोला जाता है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं और किन लोगों में होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बात करने वाली हूँ, साथ ही साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होते हैं। तो जनरली कॉर्न जो होते हैं, आपको फिट्स में देखा होगा, आपके पैरों में, तलवों में और हाथों में, ये दो जगह पे ज्यादा देखे जाते हैं। और जो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे स्किन जो होती है हार्ड हो जाती है और बहुत थिक हो जाती है, जिसमें पेन भी बहुत सारा होता है। तो थोड़ा सा भी टच होने पे बहुत तेज पेन होता है, तो उसको जो है कॉर्न बोला जाता है। तो क्यों होते हैं बताऊंगी मैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर, रिपीटेड प्रेशर, मतलब बार बार एक ही पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है, बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब रगड़ाव आ रहा है, बहुत ज्यादा तो उसमें क्वांटिटी में प्रेशर पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको जो बोलते हैं जो कॉर्न बन जाते हैं उसकी वजह से। तो जनरली बोनी प्रोजेक्शंस पार्ट पे भी देखा गया है, जहां पर बोन्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ रहा है, कंटिन्यूस प्रेशर होने की वजह से दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा है, क्योंकि नीचे बोन है और ऊपर जो है कोई पर्टिकुलर चीज है जो प्रेशर दे रही है, तो उसकी वजह से जो है वहां पर कॉर्न डेवलप हो जाता है। तो कॉर्न जनरली रिस्क फैक्टर्स में बताऊंगी कि किन लोगों में होता है। तो सबसे पहले किन लोगों में होता है, जो लोग बहुत ज्यादा टाइट शूज पहनते हैं, मतलब कि जो लोग बहुत टाइट या जरूरत से ज्यादा शॉर्ट, मतलब छोटे शूज पहन लेते हैं, तो उन लोगों में जो है कॉर्न बन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे होने की वजह से, टाइट होने की वजह से चलते हैं जब अपन, तो वहां पर फ्रिक्शन होता है, रगड़ाव होता है, प्रेशर पड़ता है, इसलिए वहां पर जो है कॉर्न बन जाता है। कॉर्न जो, और जिन लोगों को गार्डनिंग करते हैं, मतलब कि अगर जो लोग फार्मर्स होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो लोग भी फाफड़ा और ये बड़ी मेहनत वाली चीजें करते हैं, कड़क चीजें उठाते हैं, कंटिन्यूस उनके हाथों में प्रेशर्स पड़ते हैं, पैरों में प्रेशर्स पड़ते हैं, कंटिन्यू बिना चप्पल जूतों के चलते हैं, तो उन लोगों में भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी वहां पर कॉर्न्स बन जाते हैं। या फिर जिन लोगों में एबनॉर्मलिटी होती है पैरों में या हाथों में, जैसे किसी के पैर जरूरत से ज्यादा चौड़े हैं, थोड़ा सा कोई अंगूठा निकला हुआ है बाहर की तरफ, इस शेप के अगर एबनॉर्मलिटीज होती है, उन लोगों में भी देखा गया, क्योंकि उस शेप के जो है शूज वगैरह मिलते नहीं है, और वो नॉर्मल शेप के शूज अगर पहनते हैं तो उसकी वजह से उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां आगे जाके कॉर्न डेवलप हो जाता है। या फिर किसी डिजीज में, जैसे कि डिजीज देखी गई है कि डायबिटीज है जिन लोगों को, जहां पर डायबिटीज वालों को क्या होता है, आपके पेरिफेरल्स जो होते हैं, मतलब कि आपके जो हाथ पैर जो होते हैं बॉडी से थोड़ा दूर होते हैं, जिसकी वजह से वहां सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो सर्कुलेशन कम होने की वजह से, किसी आर्टरी डिजीज की वजह से अगर वहां सर्कुलेशन कम हो रहा है हाथों पैर में, तो उन लोगों में भी देखा गया है कॉर्न्स होना। तो अब इसकी बात करेंगे ये किस टाइप के होते हैं। तो टाइप में जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ये सर्कुलर शेप के होते हैं या तो कॉनिकल शेप के होते हैं, मतलब एक ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे अंदर जाके वो पिन पॉइंट जैसा पतला हो जाएगा और बहुत तेज दर्द होता है, या फिर सर्कल ही होता है, एक सर्कल फॉर्म हो जाता है और वहां पर जाके जो है आपका नीचे वो भी एक सर्कल फॉर्म कर लेता है, एक नॉट टाइप की थिक जो होती है, नॉट बन जाती है, जो कि काफी पेनफुल होती है। देन व्हाइट कलर के भी देखे गए हैं, कभी स्किन कलर्स में भी देखे गए हैं कि फ्लैशी स्किन कलर का ही है, कभी थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, कई बार थोड़ा ब्लैकिश होता है, और कई बार बहुत हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट ही होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बट वो पेनफुल काफी होते हैं वो भी, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो जनरली अब मैंने जैसे कि बताया कि लोगों में देखा गया था, अब मैं बताने वाली हूँ कि ये क्यों देखा, मतलब किस वजह से बन जाते हैं, तो किस पार्ट में ज्यादा बन जाते हैं। जनरली हाथ और पैर मैंने बताया, तो पैरों में आप देखेंगे तो ये जो जगह होती है पैरों में, आप मैं हाथ में वो दिखा रही हूँ बट ये पैरों के लिए बता रही हूँ कि जो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट जगह जो होती है वहां पर ज्यादा बन जाते हैं, या फिर आपके जो लास्ट के टू टोज होते हैं तो इनके बीच में बन जाते हैं, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जिन लोगों के शूज जनरली देखा गया है कि शूज बहुत टाइट पहनते, तो आपकी छोटी जो टो होती है सबसे लास्ट वाली, तो उसमें भी जाके लास्ट में बन जाता है, वहां पर कॉर्न बन जाते हैं। या फिर आपके थंब के साइड में, थंब के फ्रंट पे, तो ये सारी जगह जो पैरों में होती है तो ज्यादा देखी गई है। हाथों में मैं बताऊं तो हाथों में जनरली जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइव करते हैं कंटिन्यू, बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा होगा ये जो प्रोजेक्शन होता है यहाँ पर काफी स्किन हार्ड हो जाती है, या ज्वाइंट्स में भी आपने देखा होगा हाथों में, तो ये जॉइंट्स वाली जगह पे जो पोर्स होते हैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट होती है। और जो लोग बॉक्सर्स होते हैं, जिन लोगों को ये
बोन्स पे काफी प्रेशर पड़ता है, फ्रिक्शंस होते हैं, तो उसमें भी जो है काफी देखा गया है कि वहां पर कॉर्न्स बन जाते हैं। तो इस टाइप के मैंने चीजें बताई, काफी पेनफुल भी हो जाता है, लोग पैर जमीन में नहीं रख पाते, जैसे ही पैर में जमीन में रखते हैं और उनको पेन स्टार्ट, एकदम जोर से पेन होता है। जैसे आप बहुत देर के बाद अगर आप रेस्ट कर रहे हो और एकदम से पैर रखोगे तो बहुत तेज पेन होगा, बट फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो, अगर आप धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते तो थोड़ा स्लो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है कॉर्न्स में। तो अब मैं इसे प्रिवेंशन और मेडिसिन में आती हूँ। तो प्रिवेंशन जो होता है, स्पेशली आप थोड़ा सा सॉफ्ट चीजें पहने, अपने शूज को चेंज करें, और जो भी स्लीपर्स है, कोई डॉक्टर सोल वाली जो स्लीपर्स होती है वो यूज करें, और कंटिन्यूस अपने हैंड्स वगैरह को जो मॉइस्चर करते रहे, उसकी एक्सरसाइजेस करें कि वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। तो ये सारी चीजों से थोड़ा सा बचाव हो सकता है, बट उसके बाद भी अगर हो जाता है तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होती है वो है एंटीम क्रूड मेडिसिन। एंटीम क्रूड कहीं पे भी हॉर्नी हार्ड प्रोजेक्शंस होते हैं यंगस्टर्स में, स्पेशली अगर बन जाते हैं, तो वहां पर जो है एंटीम क्रूड मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। एंटीम क्रूड जो मेरी टॉप मोस्ट मेडिसिन है इसके लिए, तो इसको 200 पोटेंसी में लिया जाता है, दिन में दो बार तक ले सकते हैं। अगर इसको डाइल्यूशन में लेते हैं तो दो दो बूंद दिन में दो बार लीजिए पानी में डाल के। तो इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है आर्निका मेडिसिन। आर्निका मेडिसिन जो थोड़ा सा नर्वस लोग होते हैं और किसी इंजुरी के बाद से वहां कॉर्न बन जाए, जैसे कि मैंने बताया कई बार शू बाइट हो जाता है, शू बाइट मतलब शूज अगर आपको काट लेता है और आपको साइड में जो है वहां पर इंजुरी टाइप की हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे वो डेवलप होके वो एक कॉर्न का फॉर्म ले लेती है। तो ऐसी अगर इंजुरीज के बाद में अगर कहीं पे कॉर्न हो रहा है और बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो वहां आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छा करती है। आर्निका मेडिसिन भी जो है 200 पोटेंसी में दिन में दो बार आप यूज कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया डाइल्यूशन है तो दिन में दो दो बार टू ड्रॉप्स लेना होता है, और पानी में डाल के लीजिए, या तो आप पिल्स में लेते हैं तो पिल्स में लीजिए। तो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेरम्पिक। फेरम्पिक्रेटा जो मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर येलो कलर के कॉर्न से थोड़ा ये चेंजेस, कलर चेंज येलो इस टाइप का है और मल्टीपल है, मतलब बहुत सारे हो गए आपको एक साथ पैरों में, बहुत सारी जगह हो गए हैं, तो वहां पर जो होता है वो होता है आपका फेरम्पिक मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस स्किन की वो होती है बहुत ड्राई होना, बहुत हार्ड होना, थोड़ी सी रफ होना, इस टाइप की अगर आपकी स्किन देखी गई है, और कई बार वहां पर थोड़ा सा देखा गया है कि हल्का सा कई बार लिक्विड टाइप का भी आ जाता है, बहुत कम ही देखा जाता है, बट स्किन डिजीज भी साथ में आपको कोई है, और बहुत हेल्दी पर्सन है, किसी मोटे व्यक्ति को प्रकम्पटीनेस पैरों में प्रेशर होने की वजह से अगर हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स में हो रहा है, तो उसको जो है ग्रेफाइटिस मेडिसिन दी जाती है। ग्रेफाइटिस मेडिसिन भी होती है वो 30 पोटेंसी में दी जाती है, 30 पोटेंसी में अच्छा वर्क करती है दिन में दो बार। देन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है, जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड और नॉटी टाइप के आपके बन चुके हैं और थोड़े से सॉफ्ट अगर रहते हैं कॉर्न्स, तो सॉफ्ट कॉर्न्स के लिए जो है साइलिशिया मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मैंने आज 4 से 5 मेडिसिन आपको बताई हैं, बट इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स बताने के बाद ही मैं बता सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आती है। तो अगर आपको इनकी में मेडिसिन आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसके लिए कि मैं आपको आपकी जो मैचिंग मेडिसिन होती है, जो सिमिलर मेडिसिन होती है आपसे, वो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कंसल्टेंसी नहीं लेते तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए, जिसका कि मैं आंसर कोशिश होगा जल्दी से जल्दी दे सकूंगी, तो आपको जरूर दूंगी। और आप मेरे वीडियो को, आज का वीडियो कैसा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरी लाइव क्लिनिक पे भी आते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन तुरंत आंसर चाहिए है आपको, जिसे मैं अच्छे से आपको डिटेल समझा सकती हूँ, वो है लाइव क्लिनिक। तो लाइव क्लिनिक पे आके आप क्वेश्चन करिए, जिसको कि मैं आपको समझा सकती हूँ, आपको मेडिसिन बता सकती हूँ। और इसी के साथ फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।